मॉर्निंग सर। फैज, फरदीन दक्ष, सर, फरदीन। अबे आवाज आ रही है नहीं आ रही? ये सर आ आ रही रही है है। सर, आ रही है। अरे आ रही है, लिखा है वो। अभी तो कुछ बोलो तो सही। इनकी आवाज नहीं आ रही, मेरी तो जा रही है। किसको? पूरा ये सबसे पहला वाला, ये
आ रही है मेरी आवाज? यस सर। आवाज आ रही है? तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही? सुधीर कुछ बोलो, गुड मॉर्निंग सर। कुछ बोलो। इस बार स्टूडियो में आती है आवाज? हाँ तो बच्चों का लिखा अब हुआ। बच्चों की आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज तो आ रही है। अच्छा, वो तो फिर पहले भी यही हुआ, वो पहले भी यही हुआ। ठीक है ठीक है। हाँ, लास्ट हमने काम पे छोड़ा था, हम लोग कर रहे थे डिसीजेस। हम लोग कर रहे थे डिसीजेस, मलेरिया से शुरू करना है ना पायल। मलेरिया, पायल ने लिखा यस बेबी, बेबी। अच्छा कोई बात नहीं पायल। ठीक मलेरिया, बैड एयर, गंदी हवा। ठीक है, व्हेन कॉज ऑफ मलेरिया वॉज नॉट नोन। ये भी पता नहीं था ना कि मलेरिया कैसे होता है। अभी मुझे तो उल्टा नजर आ रहा है लिखा हुआ। तुम्हें सीधा नजर आ रहा है लिखा हुआ? मुझे तो उल्टा नजर आ रहा है लिखा हुआ। मुझे तो सीधे, मुझे उल्टा नजर आ रहा है लिखा हुआ। व्हेन कॉज ऑफ मलेरिया वॉज नॉट नोन, इट वॉज सपोज्ड टू बी कॉज्ड बाय बैड एयर। तब ये माना जाता था कि ये गंदी हवा से फैलता है। ठीक है, जब ये पता नहीं था कि मलेरिया कैसे फैलता है, तब ये माना जाता था कि ये गंदी हवा से फैलता है, इसलिए नाम मैल एयर, बैड एयर। ठीक है, लेटर ऑन चार्ल्स लेवरॉन, चार्ल्स लेवरॉन डिस्कवर्ड दैट प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया। ठीक है, बाद में चार्ल्स लेवरॉन ने डिस्कवर किया था कि प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। और प्लाज्मोडियम क्या होता है? एक प्रोटोजोआ होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम इज ए प्रोटोजोआ। ठीक है, सर रोनाल्ड रॉस, डिस्कवर्ड सर रोनाल्ड रॉस डिस्कवर्ड दैट फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ट्रांसमिट्स मलेरिया। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ट्रांसमिट्स मलेरिया। ठीक है, अब मुझे आप ये कौन बताएगा? लिख लो इसको, लिख लो उमेश, उमेश
ठीक है, क्लियर हो गया। प्लाज्मोडियम देयरफॉर डायजेनेटिक पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम देयरफॉर इज ए डायजेनेटिक पैरासाइट। ठीक है, लाइफ साइकिल में दो होस्ट होते हैं, दैट इज डायजेनेटिक का मतलब क्या, क्या हुआ, लाइफ साइकिल हैज टू होस्ट। लाइफ साइकिल के अंदर दो होस्ट होते हैं, ठीक है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो प्राइमरी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट है, ठीक है, ह्यूमन सेकेंडरी होस्ट है, बिल्कुल सही कह रहे भावना, ह्यूमंस सेकेंडरी होस्ट है। उमेश, पानी, ह्यूमन सेकेंडरी होस्ट है। अच्छा, अपर स्टेटमेंट, प्लाज्मोडियम इज ए डायजेनेटिक पैरासाइट। ओहो, ऊपर मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूं उसे। प्लाज्मोडियम, अब दिख रहा है ना, इज ए डायजेनेटिक पैरासाइट, इज ए डायजेनेटिक पैरासाइट, अब दिखाई दे रहा है ना, इट इज ए डायजेनेटिक पैरासाइट। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। अरे ये इस पर रख दूं, फिर तो नहीं जाएगी। नहीं 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 क्लियर हो गया क्वेश्चन? व्हाई फीमेल इन अ प्लेस, व्हाई फीमेल इन अ प्लेस, है ना, व्हाई नॉट मेल? Why female anopheles? Why not male? कौन जवाब दे रहा है मुझे? फीमेल ही क्यों, मेल क्यों नहीं? Why female anopheles? Why not male? हाँ क्यों भावना, मेल मेल मॉस्किटो, व्हाई नॉट मेल मॉस्किटोस? Why not male mosquito? Male mosquito में क्यों नहीं चलती, female में क्यों चलती है? Female mosquito में क्यों चलती है? Answer, answer. Only female mosquitoes can bite humans to suck human blood. केवल फीमेल मॉस्किटोज ही बाइट कर सकते हैं ह्यूमंस को, ह्यूमन ब्लड को सक करने के लिए।
because they require human blood proteins. They require human blood proteins for maturation of their eggs. ठीक है, इनको ह्यूमन ब्लड प्रोटीन चाहिए होते हैं फॉर मैच्योरेशन ऑफ देयर एग्स. फॉर मैच्योरेशन ऑफ देयर एग्स. ठीक है, इसीलिए इनके पास ना पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं. देयरफॉर फीमेल मॉस्किटोज हैव पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स to feed on human blood. ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं इसकी लाइफ साइकिल, है ना. When female anopheles mosquito bites a person. When female mosquito bites a person, it transmits sporozoites. It transmits sporozoites, which are infectious stage. इट ट्रांसमिट्स स्पोरोजॉइड्स इंफेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम. ये स्पोरोजॉइड्स कहां पहुंचते हैं? दीज स्पोरोजॉइड्स रीचेस लिवर. ये स्पोरोजॉइड्स लिवर में पहुंचते हैं, रीचेस लिवर. Asexual cycle in liver. Asexual cycle in liver reaches RBC. Reaches RBC. ठीक है, asexual cycle in RBC. एसेक्सुअल साइकिल इन आरबीसी, है ना. आरबीसी बर्स्ट होते हैं और उससे शिवरिंग होती है. ठीक है, बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी ठीक है, आरबीसी बर्स्ट होते हैं उससे शिवरिंग एंड फीवर. शिवरिंग एंड फीवर, बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी, है ना, उससे यस हीमोजॉइन, हीमोजॉइन रिलीज होता है. ये शिवरिंग और फीवर करता है, हीमोजॉइन रिलीज होता है और ये शिवरिंग और फीवर करता है. इट कॉजेज शिवरिंग एंड फीवर. ठीक है, चेंजेस इनटू गैमेटोसाइट. Changes into gametocyte. ठीक है, female anopheles bites again.
फीमेल एनाफिलिस बाइट्स अगेन, ठीक है, एक मच्छर घुस गया, फीमेल एनाफिलिस बाइट्स अगेन, सक्स ह्यूमन ब्लड एंड गैमेटोसाइट, सक्स ह्यूमन ब्लड एंड गैमेटोसाइट, सक्स ह्यूमन ब्लड एंड गैमेटोसाइट, फर्टिलाइजेशन इन गट ऑफ मॉस्किटो, फर्टिलाइजेशन इन द गट ऑफ मॉस्किटो रीचेस सलाइवरी ग्लैंड्स, स्पोरोजॉइट्स आर रिलीज्ड, स्पोरोजॉइट्स आर रिलीज्ड, फिर से यहां से साइकिल शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली साइकिल थी मॉस्किटो में, ये वाली थी ह्यूमंस में। ठीक है, मॉस्किटो में याद रखना सेक्सुअल साइकिल है और ह्यूमंस में एसेक्सुअल साइकिल है। मॉस्किटो में सेक्सुअल साइकिल है और ह्यूमंस में एसेक्सुअल साइकिल है। मॉस्किटो है सेक्सुअल साइकिल, ह्यूमंस है एसेक्सुअल साइकिल। डन, आगे चलूं मैं, आगे चलूं, डन कर लिया सबने। आगे चलूं, पायल, प्रियंका, प्रिया, अमरनाथ, अमरनाथ, निकिता, सुधीर, चलो दक्ष। टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम, टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम, टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, बिनाइन टर्शियरी मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, बिनाइन टर्शियरी मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, मैलिग्नेंट मलेरिया, और सेरिब्रल मलेरिया, और रेजिस्टेंट मलेरिया, और फेटल मलेरिया। हो गया, हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, कॉटन मलेरिया,
प्लास्मोडियम ओवेल, माइल्ड टर्शियरी मलेरिया। माइल्ड टर्शियरी मलेरिया जरा बता दो, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया क्विनीन, क्विनीन। और ये कहां से आती है? बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। बार्क ऑफ सिंकोना ट्री, बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। और याद रखना है गैम्बूसिया फिश होती है, गैम्बूसिया फिश। एक गैम्बूसिया फिश होती है, किल्स मॉस्किटो लार्वास। किल्स मॉस्किटो लार्वास। प्रियंका लास्ट स्लाइड देख लो। हो गया हो गया हो गया। हो गया ये देख लो। एक और बीमारी लिखो, अमीबियासिस और अमीबिक डायसेंट्री। अमीबियासिस और अमीबिक डायसेंट्री कॉज्ड बाय ए प्रोटोजोआ कॉल्ड एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कॉज बाय ए प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ट्रांसमिट कैसे होती है? ट्रांसमिट कैसे होती है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर ट्रांसमिटेड बाय। हां जी कैसे होती है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कहां पहुंचता है? एंटामीबा रीचेज इंटेस्टाइन। एंटामीबा रीचेज इंटेस्टाइन। सिम्टम्स क्या है इसके? सिम्टम्स ब्लड विथ फीकल मैटर। ठीक है, अल्सर्स, पेन एब्डोमेन, पेन एब्डोमेन, वॉमिटिंग, उल्टी आनी शुरू हो जाती है ना। अल्सर्स कैन डेवलप, अल्सर्स इन इंटेस्टाइन, अल्सर्स इन इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन में छाले पड़ जाते हैं। हो गया, अल्सर्स इन इंटेस्टाइन। ठीक है, अल्सर्स इन इंटेस्टाइन। चलो आगे चलो। डिसीज इज कॉज बाय हेलमिंथ।
क्लियर हो गया? डिसीज इज कॉज बाय हेलमेंट. ये हमने एनिमल किंगडम में भी पढ़ी थी. पहली कौन सी है? एस्कैरियासिस. एस्कैरियासिस कॉज्ड बाय एस्कैरिस लंब्रिकॉइडस. कॉज्ड बाय एस्कैरिस लंब्रिकॉइडस ट्रांसमिटेड बाय. हाँ जी, बॉडी में कैसे जाती है? ट्रांसमिटेड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. ट्रांसमिटेड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. सिम्टम्स, पेट में कीड़े, एब्डोमिनल पेन. सिम्टम्स एब्डोमिनल पेन, अनीमिया. खून भी चूस रहा है ना वो, अनीमिया. ठीक है, दूसरी बीमारी बताओ, दूसरी बीमारी बताओ. फाइलेरियासिस. फाइलेरियासिस कॉज्ड बाय बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई. बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई बुचेरेरिया बुचेरेरिया मलयाई. MALAYI बुचेरेरिया मलयाई. बुचेरेरिया मलयाई ट्रांसमिटेड बाय फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो. ट्रांसमिटेड बाय फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो. बुचेरेरिया अटैक्स लिम्फेटिक वेसल. बॉडी में जाने के बाद ना ये बुचेरेरिया लिम्फेटिक वेसल को अटैक करती है एंड कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन. इन लिम्फेटिक वेसल, इन लिम्फेटिक फ्लो, है ना? तो लिम्फेटिक फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है विच कॉजेस एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन्स. विच कॉजेस एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन्स. ठीक है, मोस्ट कॉमनली लेग्स आर इन्वॉल्व्ड. मोस्ट कॉमनली लेग्स आर इन्वॉल्व्ड. मोस्ट कॉमनली लेग्स आर इन्वॉल्व्ड. ठीक है, एंड लार्ज लेग किसको रिजेंबल करता है? Leg of elephant. Enlarged leg resembles leg of elephant. Condition is called. हाँ सर.
हाँ थोड़ा सा अजीब सा रह गया। हाँ मुझे लगा पता नहीं कैसा अजीब सा है। ज्यादा मीठी नहीं कर देती। हाँ वो टेस्ट नहीं था। कंडीशन इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस। इस कंडीशन को हम एलिफेंटियासिस कहते हैं या फिर फाइलेरियासिस कहते हैं। हो गया। डिसीज कॉज बाय फंगस। डिसीज इज कॉज बाय फंगस। फंगल इंफेक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय राउंड स्केली ईचिंग लीजन्स। है ना, राउंड स्केली ईचिंग लीजन्स। देयरफॉर रिंग जैसे होते हैं ना, फंगल इंफेक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड रिंग वॉर्म। देयरफॉर फंगल इंफेक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड रिंग वॉर्म। ठीक है, फंगल इंफेक्शंस को रिंग वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, फंगल इंफेक्शंस अफेक्ट हेड, हेयर, हेयर, नेल्स, स्किन। फंगल इंफेक्शंस अफेक्ट हेयर, नेल्स और स्किन। लीजन्स किसी भी उसको कहते हैं, सिम्टम्स को, गोल गोल से सिम्टम्स जो आते हैं उनको लीजन्स कह देते हैं। हेयर, नेल्स एंड स्किन, है ना। देर आर थ्री जेनर ऑफ फंगस। Which can cause this infection. There are three genera of fungus which causes these infections. कौन कौन से होते हैं? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। एक मच्छर आ गया, पता है, बहुत देर से एक मच्छर घूम रहा है। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन।
फिर आता है एड्स, एड्स एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आप भावना सही में एक ही मच्छर है उसे मैं ऐसे पकड़ता हूं ऐसे पकड़ता हूं, हाथ में ही नहीं आ रहा है वो। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। हाँ जी, ट्रांसमिट कैसे होता है एड्स? आवाज आ रही है सर? ट्रांसमिटेड बाय, हाँ जी ट्रांसमिट कैसे होता है? ब्लड कॉन्टैक्ट, एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ट्रांसमिटेड बाय ब्लड कॉन्टैक्ट एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है, दो, ब्लड कॉन्टैक्ट एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉज किससे होता है ये? कॉज्ड बाय एचआईवी वायरस, कॉज्ड बाय एचआईवी वायरस, कॉज्ड बाय एचआईवी वायरस। ये क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, ठीक है। और बॉडी में एंटर करने के बाद ये किसको इफेक्ट करता है? हां जी, बॉडी में एंटर करने के बाद किसे इफेक्ट करता है? आफ्टर एंटरिंग द बॉडी आफ्टर एंटरिंग द बॉडी ठीक है, वायरस अटैक्स, WBCs को अटैक करता है। आफ्टर एंटरिंग द बॉडी वायरस अटैक्स WBC। कौन कौन से मेन WBC? मेनली हेल्पर T4, लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। मेनली हेल्पर T4 लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। मेनली हेल्पर T4 लिम्फोसाइट है ना एंड मैक्रोफेजेस। ठीक है, एंड मैक्रोफेजेस। ठीक है, WBC, ठीक है, ये WBC का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑफ WBC ये आ गया वायरस। ये आ गया वायरस, ये हो गया उसका आरएनए, ये कोरोना वायरस है, इसका एचआईवी भी ऐसे होता है, सब एक जैसे होते हैं, आपस में भाई बहन है सब। आरएनए, ये आरएनए एंटर कर जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो लिख लेना, द आरएनए ऑफ द वायरस एंटर्स द साइटोप्लाज्म, आरएनए ऑफ वायरस एंटर्स
साइटोप्लाज्म ऑफ डब्ल्यूबीसी, आरएनए ऑफ द वायरस एंटर्स साइटोप्लाज्म ऑफ डब्ल्यूबीसी, वहां जाने के बाद ये जो आरएनए होता है ये चेंज कर जाता है डीएनए में, डीएनए, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ डब्ल्यूबीसी आरएनए चेंजेस इनटू डीएनए, साइटोप्लाज्म के अंदर आरएनए चेंजेस इनटू डीएनए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और इसे कंट्रोल करने के लिए एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, कंट्रोल्ड बाय एंजाइम रिवर्स कंट्रोल्ड बाय एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। ये एंजाइम कंट्रोल करता है इसे, एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अभी जो डीएनए बना, ये डीएनए अब डब्ल्यूबीसी के डीएनए में एंटर कर जाता है, ये डीएनए जो होता है अब एंटर कर जाता है इनटू डीएनए ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो डीएनए नाउ एंटर्स इनटू डीएनए, नाउ एंटर्स इनटू डीएनए ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डीएनए नाउ एंटर्स इनटू डीएनए ऑफ डब्ल्यूबीसी, डीएनए ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट कर लेता है ना, एंड गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू डीएनए ऑफ डब्ल्यूबीसी, है ना। अब वो डीएनए जो है अब वो आरएनए बनाना शुरू कर देता है, इट नाउ स्टार्ट्स फॉर्मिंग इट्स आरएनए, इस तरह से ना वो आरएनए बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। इट नाउ स्टार्ट्स फॉर्मिंग आरएनए, ठीक है। जब सफिशियंट आरएनए बन जाते हैं, when sufficient viral RNA are produced, when sufficient viral RNA are produced, है ना, जब sufficient viral RNA बन जाते हैं, sufficient viral RNA are produced, virus destroys WBC and comes back into blood. Virus destroys WBC and comes back into blood. In this way, virus multiplies इस तरह से वायरस मल्टीप्लाई कर जाता है। यस, रेट्रोवायरस होता है जो उल्टा चलता है प्रियंका, जो आरएनए से डीएनए बनाता है, जैसे अभी हमने देखा ना, ये अभी हमने देखा ना बेटा, ये आरएनए से डीएनए बना रहा है, ये रेट्रोवायरस है,
जो आरएनए से डीएनए बनवा दे, ठीक है, वो रेट्रोवायरस होता है, ठीक है। इन दिस वे वायरस मल्टीप्लाइज एंड WBC आर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इन दिस वे वायरस मल्टीप्लाइज है ना एंड WBCs आर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। वायरस मल्टीप्लाई करता चला जाता है और WBC डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस देयरफॉर एक्ट एज फैक्ट्रीज ऑफ HIV, मैक्रोफेजेस देयरफॉर एक्ट एज फैक्ट्रीज ऑफ HIV, when sufficient WBC are destroyed, ठीक है, immunity of the person decreases, ठीक है, immunity of the person decreases and person suffers from multiple infections. And person suffers from multiple infections. ठीक है, टेस्ट कौन कौन से होते हैं इसके? डायग्नोस्टिक टेस्ट, दो हैं, एक होता है ELISA और एक होता है वेस्टर्न ब्लॉट, एक होता है ELISA और एक होता है वेस्टर्न ब्लॉट, और ट्रीटमेंट आपको पता है कोई होता ही नहीं है, नो ट्रीटमेंट, ठीक है, नो ट्रीटमेंट। अब हम आते हैं कैंसर, है ना, ग्लोबली कैंसर इज द लार्जेस्ट किलर, ग्लोबली कैंसर इज द लार्जेस्ट किलर। सेकेंड वन इज वेस्टर्न ब्लॉट, भावना ने लिखा हुआ, ग्लोबली कैंसर इज लार्जेस्ट किलर। स्टडी ऑफ कैंसर को क्या नाम देते हैं? ऑंकोलॉजी। कैंसर को डिफाइन कैसे करते हैं? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, कैंसर इज डिफाइंड एज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ठीक है। और हम इसको दूसरा नाम कहते हैं, और अनकंट्रोल्ड माइटोसिस, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। ठीक है, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। क्लियर हो गया? ये अनकंट्रोल्ड माइटोसिस है, ठीक है। जब अनकंट्रोल्ड माइटोसिस होता है ना, उससे क्या होता है, एक गांठ बन जाती है, ट्यूमर,
है ना, कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस जो होता है ना उससे ट्यूमर बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। ठीक है, अगर इस ट्यूमर को हमारा इम्यून सिस्टम पहचान जाता है, इफ आवर इम्यून सिस्टम इज एबल टू रिकॉग्नाइज दिस ट्यूमर, इफ आवर इम्यून सिस्टम इज एबल टू रिकॉग्नाइज दिस ट्यूमर, देन आवर इम्यून सिस्टम फॉर्म्स ए लेयर अराउंड दिस ट्यूमर, तो हमारा इम्यून सिस्टम ना इस ट्यूमर के चारों तरफ एक लेयर बना लेता है। ये देखो, ठीक है, ऐसे ट्यूमर्स कहलाते हैं बेनाइन ट्यूमर्स। दीज ट्यूमर्स आर कॉल्ड, दीज ट्यूमर्स आर कॉल्ड बेनाइन ट्यूमर, नॉन कैंसर, नॉन कैंसरस ट्यूमर। वेरी गुड भावना, नॉन कैंसरस ट्यूमर। तो ये हो गए बेनाइन ट्यूमर्स। बेनाइन ट्यूमर्स, ठीक है, ये कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम इन ट्यूमर्स को नहीं पकड़ पाता, बट इफ आवर इम्यून सिस्टम is not able to catch this tumor, अगर हमारा इम्यून सिस्टम इस ट्यूमर को नहीं पकड़ पाता, तो ये ट्यूमर फिर अनकंट्रोल्ड बढ़ता चला जाता है, then the tumor grows uncontrolled. तो ये ट्यूमर बढ़ता ही चला जाता है, देन द ट्यूमर ग्रोज अनकंट्रोल्ड, नाउ इट इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर, है ना। अब हम इस ट्यूमर को मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। Now it is called malignant tumor or cancer. अगर हमारा इम्यून सिस्टम इस ट्यूमर को नहीं पकड़ पाता है, तो फिर हम इस ट्यूमर को मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं या फिर कैंसर कहते हैं, और कैंसर। मैलिग्नेंट और कैंसर, है ना। देयरफोर cancer cells have a property to escape from immune system of the body. They have a tendency to escape from immune system of the body. ठीक है, body के immune system से बच के निकल जाते हैं। They have a tendency to escape from immune system of the body. ठीक है, अब ये cancer ना पूरी body में फैलना शुरू कर देता है। Cancer now starts spreading throughout body
कैंसर नाउ स्टार्ट स्प्रेडिंग थ्रू आउट बॉडी, पूरी बॉडी में फैलना शुरू कर देता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। इसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। अब ये कैंसर पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है और अब हम इसको कहते हैं मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस, ठीक है। और मेटास्टेसिस जो होती है ना, मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी, फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर, इट इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल्स। सबसे डरावनी प्रॉपर्टी कैंसर की यही होती है कि पूरी बॉडी में फैलता है, कहां कहां रोकोगे इसे, मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल। जरा मुझे कॉजेस बता दो कैंसर के, जरा मुझे कॉजेस बता दो कैंसर के। है ना, सम वायरस कॉल्ड ऑन्को वायरस, कुछ वायरस होते हैं जिनको हम ऑन्को वायरस कहते हैं, है ना, एक्टिवेट्स प्रोटो ऑन्कोजीन इंटू ऑन्कोजीन, एक्टिवेट्स प्रोटो ऑन्कोजीन इंटू ऑन्कोजीन, ठीक है। प्रोटो ऑन्कोजीन इनएक्टिव होती है, ऑन्कोजीन एक्टिव होती है, प्रोटो ऑन्कोजीन इनएक्टिव होती है, ऑन्कोजीन एक्टिव होती है, ऑन्कोजीन स्टार्ट्स कैंसर, ऑन्कोजीन स्टार्ट्स कैंसर फॉर्मेशन। ऑन्कोजीन स्टार्ट्स कैंसर फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा लिखो लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जब नॉर्मल माइटोसिस चलती है ना तो क्या होता है कि एक सेल दो सेल में डिवाइड करता है, ये नॉर्मल माइटोसिस है, ठीक है। और देखो दोनों के बीच में कोई जगह नहीं है, लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है कि एक सेल जब डिवाइड करता है तो ये जगह बन जाती है, ये नॉर्मल है, दोनों सेल के बीच में, दोनों डॉटर सेल के बीच में कोई जगह नहीं है, ठीक है। और इसमें दोनों के बीच में जगह आ जाती है, ये होता है लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। बाकी के कॉजेस बता दो, अदर कॉजेस, ठीक है, केमिकल्स है ना कॉल्ड कार्सिनोजेंस, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कैंसर कर सकते हैं, है ना, कैन कॉज कैंसर, ठीक है। एग्जाम्पल कैडमियम ऑक्साइड,
विनाइल क्लोराइड, ठीक है, कैडमियम ऑक्साइड, विनाइल क्लोराइड, ये कैंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसका वो कैसे करोगे, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कैसे करते हैं कैंसर का? नंबर वन, जनरल टेस्ट लाइक एक्सरे, ठीक है, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, ठीक है। फिर दूसरा होता है हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और बायोप्सी। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन और बायोप्सी, इसमें क्या करते हैं, एक पीस काटते हैं ट्यूमर से, स्लाइड के नीचे माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेते हैं, है ना, एक पीस काटा जाता है ट्यूमर से, स्लाइड बना करके माइक्रोस्कोप के नीचे उसे देख लिया जाता है, ठीक है। तो लिख लेना, पीस ऑफ ट्यूमर इज कट, पीस ऑफ ट्यूमर इज कट एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब हम यहां पे लेते हैं ब्रेक, ठीक है, ब्रेक 15 मिनट का याद रखना, रिमेंबर 15 मिनट्स ब्रेक, आधे घंटे का ब्रेक नहीं है, 15 मिनट का ब्रेक है, रिमेंबर 15 मिनट्स ब्रेक, 10:45 क्लास विल स्टार्ट अगेन, ओके बॉस।
आने रहा ना।